थाना गाजियाबाद में सात बहनों के इकलौते भाई सैम्यूल गुलजार की दो माह से मुबैना गिरफ्तारी। फालिद जदा बूढ़ा बाप व्हीलचेयर पर इंसाफ के लिए मॉडल टाउन कचहरी पहुंचा। इल्जाम लगाया कि इसके बेटे को पुलिस ने दो माह से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रखा है। पुलिस रिश्वत का मुतालबा कर रही है। मुलजिम की वालदा ने दावा किया कि इसके बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया। इसके बेटे को पुलिस की हिरासत से बाजियाब करवाया जाए। पैसे मांगते ने, दो महीने हो चले ने बेटे नु, ना मुला दो दफा साडी मुलाकात कराई ने। कदी कहिंदे ने 10 लाख लै के आओ, कदी 5 लाख लै के आओ। हुण 35,000 मैं दे के आई, सो ते कहिंदे सी 1.5 लाख पूरा करो तो फिर तुहाडे बेटे नु दान दे सी। वकील फरहान शमीम भट्टी ने कहा कि पुलिस ने दो माह से नौजवान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। जब कभी भी कोई किसी को पुलिस पकड़ती है शक के बिना पर या किसी तफ्तीश के दौरान तफ्तीश के लिए पकड़ती है, तो पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 24 आवर्स वो जो है वो उसको मुलजम को कोर्ट में पेश करे। और इलीगल डिटेन करना तो बिल्कुल अनलॉफुल और इनजस्टिस है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद पुलिस थाना गाजियाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरा टीम के साथ नुमान चौधरी, लाहौर न्यूज़।